YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। निगम चुनाव में डिप्टी मेयर उम्मीदवार मनोज सिंह शनिवार को भी अपने तूफानी दौरे पर रहे। अपने चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह के साथ बारलोटा के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से समर्थन देने की अपील की। आज काफी संख्या में समर्थक उनके साथ थे। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गली मोहल्लों में भी जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और विजय होने का आशीर्वाद लिया। आज जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी मनोज सिंह को वार्डवासियों ने सड़क नाली के साथ पीएम आवास योजना के लाभ से भी वंचित होने संबंधी समस्याएं बतलाई। कहा कि लोग खुश हैं कि बारलोटा को निगम दायरे में लाया गया। अब क्षेत्र के चहुंमुखी विकास की आसामी मतदाताओं की निगाह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर है। कहा डिप्टी मेयर पद कांग्रेस की झोली में ही जाएगी। बारलोटा में बारलोटा में ही है, अभी पूरा आगे जाएंगे, फिर उकराहा जाना है और उसके बाद बालोलवा भी जाना है। इधर क्या क्या समस्या दिखाई दे रही है? इधर ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में सड़क नाली का बहुत ज़्यादा समस्या है और गरीबों को जो बीच में है आवास का बहुत उन लोग को दिक्कत है, जो आवास नहीं मिला है पंचायती समय में और इतना कम पैसा मिलता था जिसमें वो आवास बनाने में सक्षम नहीं रहते थे। तो अगर निगम क्षेत्र बना है तो 4 लाख रुपये के लगभग मिलेगा, तो वो लोग कम से कम आवास उन लोग का रहने के लिए उन लोग